हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और भाई ये गली में आ रही है कितने हॉर्न मारते हैं ना भाई चलो कोई नहीं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देख लीजिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो हाँ नीचे लाल वाला बटन है इसे प्रेस कर दें, एक काला हो जाएगा बस छोड़ दें। एक बार करना है दो बार नहीं करना है। मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो मैं धीरे बोल लेता हूँ, मेरे को बोलना आप अगली वीडियो में कमेंट करना। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो अभी आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनी है। तो आज की वीडियो है कि इंडिया में पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया। क्योंकि यार क्या बताऊँ, सॉरी मैं अभी वीडियो कट नहीं करूँगा, मैंने पहले 6 से 7 बार कट कर रखी है ऐसे ही। मैं अब जो वीडियो है यही डालूंगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ऑलरेडी बना रखी हैं, लेकिन मैं भी ये वाली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जो 2021 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स निकल गए हैं, कुछ नए आए हैं, फ्लाइंग फीस चेंज हुई है, कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए मैंने ना इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो 5 पार्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी, दूसरा है हमारा एडमिशन, एडमिशन कैसे लेना है कैसे मिलेगा, तीसरा है हमारा ड्यूरेशन, चौथा फीस, और 5वां है जो सैलरी है कि सैलरी कितनी मिलती है एक पायलट को। वो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाल दिया है मैंने वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंडिया में पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा आपकी 10+2 होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ, कंपलसरी है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिजिक्स और मैथ से आपकी 10+2 होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है यू शुड बी मेडिकली फिट, मेडिकली फिट होनी चाहिए। वैसे तो ये नेक्स्ट वाले तीसरा पॉइंट है यू शुड बी मेडिकली फिट, वैसे तो ये तीसरे ये जो एडमिशन में आना चाहिए वाला पॉइंट मेडिकल वाला, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ, बताऊँगा क्यों। और हाँ अभी एडिशनल एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, अगर आप चश्मे लगाते हो तो आप पायलट बन सकते हो या नहीं, बिल्कुल बन सकते हो। अगर आपकी चश्मे के साथ आईसाइट 6x6 है तो आप बिल्कुल पायलट बन सकते हो। और लेकिन हाँ कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ नहीं बन सकते भाई, कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ड्राइवर भी नहीं बन सकते एक्चुअली, तो मैं बता रहा हूँ आपको कार का, लेकिन लोग बन रहे हैं। तो दोस्तों एडमिशन, एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपके परसेंटेज बेस पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बस रिटर्न एग्ज़ाम लेते हैं, जिसका मैं नाम बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, इसका पूरा लंबा प्रोसीजर है, इसमें पहले आपको रिटर्न टेस्ट देना होता है, दूसरा फिर आपको एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप पास हो जाते हो तो। और NFTI में भी शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन इंडिया में इजीली एडमिशन मिल जाता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ है तो। क्लास 2 मेडिकल पहले करा के लेके जाओ, उसमें क्या फ़ायदा होगा, मान लो आपने 1.5 या 2 लाख रुपये एडमिशन के दे दिए, अभी आपने क्लास 2 मेडिकल कराया, देने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कलर ब्लाइंडनेस है आपको, आपने पहले टेस्ट नहीं कराया तो वो आपको रिफंड होंगे नहीं, तो 2 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले क्लास 2 मेडिकल करा के जाओ, क्योंकि क्लास 2 अगर आपने करा लिया है आप फिट हो तो क्लास 1 में ऑलमोस्ट सभी टेस्ट नॉर्मली आते हैं, वो एक जैसा होता है, उसमें 1-2 टेस्ट फालतू होते हैं लेकिन हो जाता है। अगर आप क्लास 2 में फिट हैं तो भाई बिल्कुल क्लास 2 मेडिकल पहले करा के जाओ, मेरी पर्सनल राय है, 10 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड में। तो भाई एडमिशन कहाँ लें, इसके लिए अभी मैंने वीडियो बना रखी है, आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, कौन सा फ्लाइंग क्लब बढ़िया है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लाइंग क्लब बेस्ट है, वहाँ जाएँ। और DGCA की साइट पे DGCA.NIC.IN नीचे लिख रहा हूँ देख लो, इस साइट पे जाके आप इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हैं और उनमें ही जाकर फ्लाइंग करें। सो तीसरा पॉइंट है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना होता है, वैसे तो 18 से 24 महीने बोलते हैं लोग कि हो जाता है, लेकिन देखो डिपेंड करता है, अभी आपको समझा दूँ कि कैसे। अगर आपके एग्ज़ाम्स पास हैं, DGCA के आपने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी पास किए हुए हैं, तो आपको फ्लाइंग में इंडिया में अगर फ्लाइंग क्लब के पास अच्छे जहाज हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, इंस्ट्रक्टर ज़्यादा हैं, तो बहुत जल्दी आपकी फ़्लाइंग ख़त्म हो जाती है।
12 से 15 महीने में, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम पास नहीं है और एक दो बार आप फेल हो गए हो तो थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है, 3 साल भी लग जाते हैं। तो 14 पॉइंट है फ्लाइंग फीस। फ्लाइंग फीस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन यही है, एग्ज़ाम्स वगैरह में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो लगता है वो फ्लाइंग में लगता है। तो अभी रिसेंटली क्या रेट चल रहा है वो 15,000 घंटे, बिल्कुल सही सुना है भाई, जो नए लोग हैं एविएशन से रिलेटेड नहीं है, 15,000 रुपये घंटे के हिसाब से 200 घंटे फ्लाइंग करनी पड़ती है, तो 200 × 15 हो गया 30 लाख रुपये सिंगल इंजन का आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम्स वगैरह में होते हैं तो उसको टोटल लगा के आप मान लो मल्टी इंजन भी करोगे, क्योंकि हमें 15 घंटे मल्टी इंजन करने होते हैं, तो 40 लाख के आसपास फ्लाइंग में खर्चा हो जाएगा आपका, एग्ज़ाम्स का अलग है। और फिर उसके बाद टाइप रेटिंग क्या होती है ये भी बता देता हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया है, स्पेसिफिक चार्ज होता है। एयरबस A320 है एग्जाम्पल में, बोइंग 737 है, इसके फंक्शन अलग हैं, एयरबस के अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप 737 उड़ा रहे हो तो एयरबस पे जाने के लिए आपको उस पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब ऑन टाइप इस टाइप के एयरक्राफ्ट पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिस्टम्स अलग हैं, तो इसको बोलते हैं टाइप रेटिंग। अब टाइप रेटिंग का इंडिया में खर्चा क्या है, लोगों ने मैंने देखा है पीछे यूट्यूब पर वीडियोस, 24 लाख है एक्चुअल में, 24 लाख कहाँ से है, आप सिटी हैदराबाद सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एयर इंडिया से अगर आप हैदराबाद से करते हो तो 24 लाख है, बिल्कुल खर्चा 24 लाख है, लेकिन मत करो ना इंडिया से, आप बाहर जाओ, बाहर से करके आओ, 12 से 14 लाख में रेटिंग हो जाती है, तो वो भी इंक्लूड कर लें तो अराउंड 60 लाख में जाकर आपका ये बहुत महंगा है, 60 लाख में जाकर आपका ये कोर्स पड़ेगा। तो अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि क्या और तरीका है, स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्कुल हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो पांचवा है सैलरी क्या होती है, भैया सैलरी देखो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है, जैसे मैं अभी बता दूँ आपको, अगर जूनियर फर्स्ट ऑफिसर हैं आप एयरलाइन में तो आपको 1.5 लाख के आसपास अराउंड मिल ही जाता है, अगर आप फर्स्ट ऑफिसर हैं तो 2 लाख के आसपास, अगर आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर हैं तो 3 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलती है पर मंथ की, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप हैं कैप्टन हैं तो 6 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिलती है मंथली, तो पैसा भी बहुत मिलता है लेकिन पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, अगर आपका एविएशन से रिलेटेड, कमर्शियल पायलट से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आपको कोई जनरल एविएशन में कोई चीज़ पूछनी है तो मेरे को लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सअप पे लिखिए, ईमेल करिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, थोड़ा मेरे को अपनी वाइफ को बोलना है ना, उसके 1000 हो गए हैं अभी लॉकडाउन में बनाया, तो मेरे भी करा दो यार जल्दी जल्दी, अच्छा सा लगेगा, कंपटीशन चल रहा है। चलो यार थैंक यू।